5 मिनट वहाँ से भोजन कीजिए ताकि दिक्कत नहीं हो। पदार्थ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? पदार्थ, ठीक है। परिभाषा ज़्यादा नहीं जानना है किसी। देखिए पदार्थ क्या होता है, जो स्थान घेरता है जिसमें भार हो द्रव्यमान हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। इसकी कुल अवस्था कितनी होती है? 5। पदार्थ की कुल अवस्था कितनी? 5 होती है। कौन कौन से? तो 3 तो पहले से पता है क्या होता है। एक होता है ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, ठीक। और चौथा होता है प्लाज्मा अवस्था। क्या होता है? प्लाज्मा अवस्था। पांचवा क्या होता है? बोस आइंस्टीन अवस्था। बोस आइंस्टीन अवस्था, बोस आइंस्टीन अवस्था, ठीक है। अब देखिए ये जो ठोस, द्रव और गैस तो पता होता है। ठोस क्या होता है? सबसे हार्ड होता है, ठीक ना, क्योंकि इसके अंतर अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वो सबसे प्रबल होता है। लेकिन इस तीन चीज़ में एक चीज़ ध्यान रखिए कि सर्वाधिक विसरण किसका होता है? गैस का होता है। विसरण बताएंगे बाद में क्या होता है, आपको बस जो चीज़ पढ़ाएंगे तो रिलेक्ट करके वो आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक विसरण किसका होता है? गैस का होता है। इसके अणुओं के बीच जो होता है वो स्थान ज़्यादा खाली होता है, ठीक है। देखिए अब चौथी अवस्था, तीन तो अवस्था जानते ही, ठोस, द्रव और गैस। अब चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था के बारे में बात करेंगे। बातें यहाँ शुरू होगी किससे? प्लाज्मा अवस्था से। केमिस्ट्री का पहला ही टॉपिक है, समझिए कि शुरू ही हुआ प्लाज्मा अवस्था, ठीक है। प्लाज्मा अवस्था जो है, इस सबसे पहले देखते हैं कि इसका खोज किसने किया था, बताइए कौन किया था? प्लाज्मा अवस्था का खोज किस कौन किया बताए थे? उसका नाम जो है कांच पर है, बोलिए, क्रूक्स, याद है? बताए थे ना, कुछ नहीं ध्यान रखना है तो विलियम क्रूक्स था, नाम आप ध्यान रखिए क्रूक्स, ठीक है। पूरा नाम क्या था? विलियम क्रूक्स था। प्लाज्मा अवस्था की खोज किसने की थी? विलियम क्रूक्स ने, ठीक है। और इसका नामकरण किसने किया था? यह जरूरी नहीं है कि जो खोजा वही नाम रखेगा, नामकरण कौन किया था, ठीक है। तो इसका नामकरण क्रूक्स ने ही, बल्कि एक व्यक्ति था लैंगम्यूर नाम था उसका, लैंगम्यूर, ठीक है। इसका नामकरण किसने किया था? लैंगम्यूर ने। अब देखिए प्लाज्मा अवस्था के बारे में कुछ बातें ध्यान रखिए। जैसे स्वर्ग का जो चित्र होता है मूवी वूवी में, जैसे धुआं निकलते रहता है, आदमी बीच से निकलते रहता है, तो वो क्या होता है? प्लाज्मा अवस्था ही होता है, ठीक है। यह क्या होता है कि तारा पर पाया जाता है, ठीक ना, तारा पर भी क्या होता है? प्लाज्मा अवस्था पाया जाता है, ठीक है। अब बनता कैसे है? तो गैस को आयनीकृत करने से प्राप्त होता है, गैस को आयनीकृत करने से प्राप्त होता है। गैस को आयनीकृत करने से प्राप्त अवस्था को क्या कहते हैं? आयनीकृत करने से प्राप्त अवस्था। गैस को आयनीकृत करने से ही अवस्था प्राप्त होती है। कौन सी अवस्था? प्लाज्मा अवस्था, ठीक है। अच्छा, सूर्य जो होता है उस पर कौन सी अवस्था पाई जाती है? प्लाज्मा अवस्था। तो हम लिख रहे हैं कि सूर्य पर भी कौन सी अवस्था, पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है? प्लाज्मा अवस्था भी होती है। सूर्य पर प्लाज्मा अवस्था होती है, प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। अच्छा, तारा पर जो गैस का बादल बनता है, ठीक ना, वो बिल्कुल फिल्म में जो स्वर्ग होता है उसी के समान होता है। तो इसके साथ साथ तारा पर गैसों का बादल भी प्लाज्मा अवस्था का उदाहरण है। तारा पर गैसों का बादल, ठीक है। प्लाज्मा अवस्था समझ में आ गया? ये कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था, ठीक है। दिक्कत पदार्थ की चौथी अवस्था है, ठीक। पदार्थ टोटल 5 अवस्था। सर्वाधिक विसरण किसका होता है? गैस का। प्लाज्मा अवस्था किसको कहते हैं? प्लाज्मा अवस्था कहते हैं जो गैस को आयनीकृत करने से प्राप्त अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मा अवस्था। खोजा था किसने? विलियम क्रूक्स ने। नाम कौन दिया? लैंगम्यूर ने। सूर्य पर कौन सी अवस्था है पदार्थ की? तो प्लाज्मा अवस्था है। तारा पर गैसों का बादल और स्वर्ग जैसा दृश्य, ठीक ना, स्वर्ग जैसा दृश्य जो होता है वो भी बनता है प्लाज्मा का। कोई दिक्कत? चलिए अच्छा, अब आइए, एक है कुछ चीज़ ध्यान रखिए, कुछ यूनिक बताइए कि रसायन शास्त्र का जनक किसको कहते हैं? रसायन शास्त्र का जनक कौन? फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन? लेवोजियर। बहुत जगह रदरफोर्ड लिखा हुआ है लेकिन वो नहीं, क्यों? लेवोजियर को पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने, ठीक ना। हाइड्रोजन की खोज
किसने, कैवेंडिश ने, हाइड्रोजन की, देखो हाइड्रोजन लिख दे रहे हैं, हाइड्रोजन की खोज कौन किया था, कैवेंडिश ने किया था, हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने किया, लेकिन इसका नामांकन किसने किया था, लेबोजियर ने, खोज कैवेंडिश ने किया था, ये आपसे पूछेगा, खोज कैवेंडिश लेकिन नामांकन किसने, नाम दिया था लेबोजियर ने, ठीक है। उसके साथ ऑक्सीजन का खोज कौन किया था, प्रिस्टले, ऑक्सीजन का खोज कौन किया, प्रिस्टले, प्रिस्टले, नाइट्रोजन का खोज कौन किया, रदरफोर्ड, ठीक है, नाइट्रोजन का खोज कौन किया, फिर लिख देते हैं N2, N2 का खोज कौन किया, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड किया था, ठीक है, कोई दिक्कत, अच्छा चलिए, चार अवस्था खत्म, अब पांचवी अवस्था तुरंत आ जाइए, अब है बोस आइंस्टीन अवस्था, बोस आइंस्टीन अवस्था, ठीक है, यह पदार्थ की कृत्रिम अवस्था है, मतलब प्राकृतिक चार ही अवस्थाएं, प्राकृतिक चार अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, लेकिन बोस आइंस्टीन कृत्रिम अवस्था, कृत्रिम अवस्था का मतलब, कृत्रिम का मतलब होता है मानव के द्वारा बनाया गया, ठीक ना, तो यह मानव के द्वारा बनाया गया अवस्था था, कौन, तो कौन कौन इसको बनाया था, तो सत्येंद्रनाथ बोस प्लाज्मा आइंस्टीन, प्लस में कौन, आइंस्टीन, ठीक है। अच्छा, गॉड पार्टिकल हिग्स बोसोन जो था, हिग्स बोसोन क्या था बोलो, जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहा गया था कि वह पार्टिकल जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, तो हिग्स बोसोन की खोज भी किसने की थी, यही सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी, ठीक है, एस बोस लिख देते हैं, बोस, ठीक है। इसी हिग्स बोसोन पार्टिकल को ही क्या कहा गया, गॉड पार्टिकल कहा गया, इसे क्या कहा गया, गॉड पार्टिकल कहा गया, क्या कहा गया, गॉड पार्टिकल कहा गया, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि गॉड पार्टिकल की खोज किसने की थी, तो सत्येंद्रनाथ बोस ने, ठीक है। हिग्स बोसोन की खोज किसने की थी, तो सत्येंद्रनाथ बोस ने, कोई दिक्कत, इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब बोस आइंस्टीन अवस्था कहते किसको है, ठीक है, तो ये जो हिग्स बोसोन पार्टिकल था उसको कहाँ पर, परम शून्य ताप पर गर्म करने से, ठीक ना, देखिए, तो हिग्स बोसोन पार्टिकल को जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, हिग्स बोसोन पार्टिकल को कहाँ, कितना पर रखने पर, परम शून्य ताप किसको कहते हैं, जीरो केल्विन को, डिग्री को नहीं, जीरो केल्विन को, वो क्या होता है, -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना, ताप पर अगर रखा जाता है, पर रखने से प्राप्त अवस्था होती है, पर रखने से प्राप्त अवस्था, ठीक है, क्या कहलाती है, बोस आइंस्टीन अवस्था, समझ में आया। सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन ने मिलकर इसकी खोज की थी, हिग्स बोसोन की खोज सत्येंद्रनाथ बोस ने ही की थी, इसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता था, और होता क्या है, बोस आइंस्टीन अवस्था, तो हिग्स बोसोन पार्टिकल को परम शून्य ताप पर रखने से प्राप्त अवस्था को क्या कहते हैं, बोस आइंस्टीन अवस्था, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, प्राकृतिक कितनी अवस्थाएं हैं, पदार्थ की नेचुरल स्टेट मतलब प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक अवस्था जो होता है वो क्या है, चार ही है, प्राकृतिक अवस्था चार है, ठीक है, क्या है, चार, ठीक। अच्छा, कौन कौन, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, एक तो ये बनाया गया था, ठीक है। अच्छा, कहेगा कि पदार्थ की कृत्रिम अवस्था कौन सी है, कौन सी है, बोस आइंस्टीन, कृत्रिम अवस्था कौन सी है, बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन लिख देते हैं, बी बोस आइंस्टीन ऐसे कर देते हैं, ठीक है, बोस आइंस्टीन अवस्था, ठीक है। उसके बाद बताइए कि ठोस से गैस बनता है तो उसको उदरपादन कहते हैं, ठोस से सॉलिड, सॉलिड से गैस अगर बनता है तो उसको कहते हैं उदरपादन, क्या कहते हैं, उदरपादन, ये सबको पता है, लेकिन गैस से सॉलिड बनता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको निक्षेपण कहते हैं, मतलब गैस से ठोस प्राप्त करने की विधि को क्या बोलते हैं, गैस से ठोस निक्षेपण कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं, निक्षेपण कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया।
अब एटम के बारे में पढ़ते हैं। परमाणु क्या होता है? देखिए परमाणु क्या होता है, तो परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बनाया, पदार्थ के बारे में कहा था, कणाद ने कहा था। किसने? कणाद ने। कणाद नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले परमाणु के बारे में कहा था कि इसको और नहीं विभाजित किया जा सकता है। किसने कहा था? कणाद ने। ठीक है ना, यह सबसे छोटा पार्ट है और इसको और विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब इससे इससे दो तीन पॉइंट आप ध्यान रखिए, आपको एकदम डायरेक्ट पूछेगा। ठीक है, क्या? तो कहते हैं सबसे सूक्ष्मतम इकाई तो हो ही गई। ठीक है, दूसरी बात कि स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक, और दूसरा क्या, अभिक्रिया में भाग ले सकता है। स्वतंत्र अवस्था में तो नहीं पाया जाता है, लेकिन रिएक्शन में भाग लेता है। रिएक्शन में क्या होता है? भाग लेता है, रिएक्शन में भाग लेता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको दो ही चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। तत्व और यौगिक, इससे एक क्वेश्चन बनेगा, वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए तत्व जो होता है एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के किससे, इसको परमाणु लिख लीजिए, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है, एक ही प्रकार के परमाणु से बनता है, मतलब यह शुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है, बस समझ में आया। तत्व तो क्या है? वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से बनता है। जैसे देखते हैं H2, O2, ये सब क्या है? ये सब, क्योंकि O2 में सिर्फ ऑक्सीजन है, O3 भी कर देंगे सिर्फ ऑक्सीजन है, इसमें दूसरा कुछ है नहीं ना। और तो परमाणु जो होता है तत्व तो किससे मिलकर बनता है? तो परमाणु से। ठीक ना, तत्व तो किससे मिलकर बनता है? परमाणु से। लेकिन यौगिक किससे मिलकर बनता है? यौगिक किससे मिलकर बनता है? यौगिक किससे मिलकर बनता है? तो अणु से। ठीक है, अणुओं के मिलने से क्या बनता है? यौगिक बनता है। और परमाणु के मिलने से क्या बनता है? तत्व बनता है। ठीक है, हो जाएगा इतना। तो ये अणु से बनता है, ये आपको पूछेगा बार बार, अणु से बनता है और यह क्या बनता है, और तत्व किससे मिलकर बना होता है? परमाणु का से। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर ऐसे देखिए H2SO4, अब यहाँ हाइड्रोजन भी है, सल्फर है, बहुत कम मिला हुआ है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? तत्व के मिलने से ही यौगिक बनता है, मतलब दो या दो से अधिक तत्व मिल जाएंगे तो यौगिक हो जाएंगे। यहाँ सल्फर है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, लेकिन अगर आपको कह दे कि निम्न बताओ इसमें यौगिक कौन है, ये दे दे H2 दे दे, ठीक है O2 दे दे, तो कौन हो जाएगा? यौगिक NaCl होगा, क्योंकि इसमें अलग अलग मिला हुआ है। ठीक ना, तो अलग अलग रहेगा तो वो हो जाएगा यौगिक, और एक ही जैसा रहेगा तो क्या हो जाएगा? तत्व हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? अच्छा, यौगिक किससे बनता है? अणु के मिलने से बनता है। तत्व किससे बनता है? परमाणु से। कौन बनता है? तत्व बनता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अब आप ध्यान रखिए क्या, कि जल में सबसे ज़्यादा अमोनिया घुलता है, जल में सर्वाधिक घुलनशील कौन होता है? अमोनिया होता है। सर्वाधिक घुलनशील कौन होता है? अमोनिया होता है। NH3 को बोलते हैं अमोनिया। ठीक है, उसके बाद कौन? उसके बाद क्लोरीन, तब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तब हाइड्रोजन, तब नाइट्रोजन, यही दोनों ऑक्सीजन, दोनों बराबर होता है। ठीक है, समझ में आए? इतना चीज़ समझ गए? अच्छा, अब देखिए मिश्रण जो होता है किसी भी अनुपात में मिलने से बन जाता है। ठीक ना, मिश्रण जो होता है यौगिक एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। जैसे H2SO4 है, अगर देखो H2SO4 है अगर, तो ये फिक्स है कि हाइड्रोजन का, जैसे देखिए कि जैसे H2SO4 है, ये फिक्स है कि हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल रहेगा। ठीक ना, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन का 4 तब यह बनेगा। लेकिन मिश्रण जो होता है वो किसी भी अनुपात में होता है, और आपको ध्यान रखना है कि वायु जो है वो मिश्रण होता है। वायु, ठीक है, मिट्टी, ये सब क्या है? मिश्रण। वायु, मिट्टी, कांच, ये सब क्या है? ये सब क्या है? मिश्रण है। ठीक ना, वायु, मिट्टी क्या है? आपको वायु बहुत ज़्यादा पूछेगा कैसा मिश्रण है, तो वायु होता है, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसको कहते हैं? जिसमें निश्चित अनुपात में रहता है। तो वायु में ऑक्सीजन फिक्स है ना, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21 के आसपास है। ठीक ना, तो उसमें तो फिक्स है मात्रा, तो वो समांगी मिश्रण है। आपको ध्यान रखना है कि वायु कैसा मिश्रण है? समांग मिश्रण है। कैसा है? समांगी मिश्रण है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये पहला टॉपिक है, ये बस आप
पहले थोड़ा मोड़ा पढ़िए, उसके बाद और इसको डिटेल में बात करेंगे, ठीक है।